हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। माया सेल्फ देव ट्राइबल लोगों के द्वारा मान्यता है कि यहाँ जो अम्मा कुंड है, यह कहते हैं कि यहाँ वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग विजिट करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ का जो ट्रैक होने वाले हैं दोस्तों लगभग 4 किलोमीटर होने वाले हैं। केरापुट जगह से, जो जगह है ना, कोरापुट नहीं है, केरापुट है, खैरीपुट के नाम से भी जानते हैं। तो चले चलते हैं, इधर से रास्ते हैं अभी चलेंगे और आपको ना पूरा भैया कुंड का दर्शन कराएंगे, विष्णु भगवान का दर्शन कराएंगे। और दोस्तों ये एक बात कहना चाहूँगा यार, यहाँ की जो मछलियाँ ना हाथों से जो आप जो भी देंगे वो ग्रहण करती है, मतलब कूद कूद के जो जैसे आप खिलाएंगे ना वैसे वो आके जो है खाती है। ये विशेष चीज आप लोग को आज की इस कमाल की वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और पूरा पैदल यात्रा करने वाले हैं अम्मा कुंड तक। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ों में बसा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमको आज जाना है दोस्तों अम्मा कुंड, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है और पैदल यात्रा करने वाले हैं। ये है खैरपुट का कुछ बस गांव है या कह लो विलेज है, यहीं से शुरू करना है। उड़ीसा गवर्नमेंट का बस जो कि अधिकतर जो है घाटियों पे चलती है। हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं एक गिट्टी और आधा डामर वाले रोड को, और मैं गाइस इस रोड में कभी आया नहीं हूँ, पूछते जा रहा हूँ। गूगल कभी कभी धोखा देता है ना, इसलिए मैं लोग से जो है पूछते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सो गाइस यार, फाइनली हम लोग 2 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी और 2 किलोमीटर चलना है हम लोग को अम्मा कुंड पहुंचने के लिए। अभी ना यहाँ पे दोस्तों थोड़ा देर ठहरा हुआ भाई, पैदल यात्रा कर रहा हूँ तो चलते ना भैया, रोड में कोई दिख नहीं रहा है तो मैं गांव वालों को ही पूछ ले रहा हूँ भैया कि ना अपना जो अम्मा कुंड जाने का रास्ता क्या है, क्योंकि कभी कभी गूगल भी जो गलत रास्ता दिखा देता है। तो गाँव वाले को होता है ना, उनको पता होता है भैया शॉर्टकट रोड, पानी उनी पीते फिर जर्नी को ना चालू रखते हैं। चलिए इन खूबसूरत वादियों को देखिए, पूरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और ये है दोस्तों ट्राइबल क्षेत्र, बोंडा घाटी या कह लो बोंडा आदिवासी समुदाय इन बड़े बड़े पहाड़ियों पर रहते हैं, और इसी पहाड़ी वाले रास्ते से होते हुए जो है बोंडा लोग जाते आते रहते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस, कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा देर ठहर के फोटो वोटो खिंचाया जाए। ऐसे इस लोकेशन के बारे में तारीफ किया भाई प्राकृतिक ने, पूरी जो है ना ठंडी हवाएँ मेरे पास भेज दी। तो सेल्फियों के पेड़ दिख रहे हैं, विशाल सेल्फियों के पेड़ और चिल्ली का पेड़ है। यहाँ पे खेत है, मूंगफली होना चाहिए, इस तरीके से सल्पी का बीज होता है, देख रहे हो। इसे जो है ये वाला पोर्शन से काट के जो है सल्पी निकालते हैं, जिसे सल्प कहते हैं। विशाल सा पेड़ लगा हुआ है सल्पी का। यहाँ से जो है ना अम्मा कुंड दोस्तों डिस्टेंस है 450 मीटर। यहाँ की जो व्यू है ना देखिए मेरे साथ, कितनी प्यारी व्यू है यहाँ से दिख रही है। नीचे की तरफ चिड़ियों की आवाज आ रही है, कितनी छोटी छोटी घर दिख रही है, बहुत मन को शांति दिल को सुकून मिला दोस्तों। यहाँ से ना धीरे धीरे वाटरफॉल की बहुत ही खूबसूरत मीठी आवाज आ रही है। इस तरीके से ना यहाँ पे एक पिकनिक लोकेशन है, हालांकि दोस्तों अम्मा कुंड पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए काफी शानदार सा चेयर बना दिया गया है। एडेंस फॉरेस्ट में चलते हुए जा रहा हूँ, मतलब खतरनाक तरीके का जंगल है भाई, डर तो लगेगा अगर आप लोग ऐसे जगह पे ट्रैक नहीं करते हो तो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मा कुंड साईबा तीर्था से। ये सीढ़ी है शायद, इधर ही जाने का है ना सीढ़ी। ओके लोग गाइस घूमने आए थे, घूम लिए क्या? नीचे नीचे आप लोग विजिट करके आ रहे हैं? ओके चलिए, आप लोग जा रहे हैं क्या नीचे? काफ़ी खूबसूरत सा ना सीढ़ी बना हुआ है और किनारे किनारे बैठने की जगह है अवेलेबल। यहाँ से ना बहुत पानी की आवाज़, मीठी आवाज़ आ रही है सीढ़ी भाई उतरने। और यहाँ पे भाई बड़े बड़े पत्थरों में यार उड़िया में लिखा हुआ है, शायद डेंजर लिखी होगी। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, मुझे लगा ही नहीं था कि भाई इतना डेकोरेट करके रखा गया है। चलिए चलते हैं, इधर से चलेंगे है ना, चलिए चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ये रहा भोलेनाथ जी की यहाँ पे शिवलिंग, साक्षात आप दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी की। हर हर महादेव। खूबसूरत अम्मा कुंड की जर्नी, कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे है भोलेनाथ जी की विशाल सी तस्वीर, उड़ीसा का मोस्ट फेमस अम्मा कुंड। तो इस मछली को जो भी खाता है ना दोस्तों मर जाता है। भगवान भोलेनाथ की साक्षात आप लोग दर्शन करिए। ऐसा पानी बह रहा है, अभी ना आपको बड़ी बड़ी मछली देखने को मिलेगी, यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी। साथ साथ जब भी यहाँ पे आए ना दोस्तों, आप अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए ताकि इस मछलियों को खिला सके। तो चलिए किस तरीके से अपने हाथों से हम मछली को जो है के कह लो विष्णु भगवान के अवतार को चिप्स खिलाते, चिप्स खिलाने वाले, उससे पहले थोड़ा सा ना सिनेमेटिक शॉट देखिए। सो गाइस आप लोगों ने महादेव जी का दर्शन कर लिया, हर हर महादेव दोस्तों। जगह है महादेव का वास स्थान है, विष्णु भगवान का वास स्थान है, यहीं पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं और साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए हम लाए चिप्स और ना आपको मछलियों को खाते हुए दिखाते हैं। हम दे रहे हैं चिप्स दिए दोस्तों,
देख रहे हैं विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, जय ये जो मछली है दोस्तों, यहाँ छोड़ के ना कहीं नहीं जाती। देखने कितने सारे जमा हो गए हैं। और एक चिप्स लाए हैं, उसको देते हैं। ये पास थोड़ा अच्छा लाइट है दोस्तों। बहुत खूबसूरत स्वयं यार दर्शन हो गए यार, यहाँ के मन तृप्त हो गए। उड़ीसा के टूरिज्म को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी चीज़ें भी लोग देख पा रहे हैं आपके बदौलत। इस कुंड को छोड़ के नहीं जाती दोस्तों, ईश्वर का अवतार इसी वजह से। ऐसे देखो ये पूरी बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे। गाइस यार मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि गाइस इतने बड़े बड़े यहाँ पे मछलियाँ हैं, और लोग देने के बाद चिप्स और सब चीज़ें खाते हैं, बिल्कुल नहीं डरती ये पूरे ना। अगर आप ऐसे करोगे ना पूरा नज़दीक आ जाती है, देख सकते हैं ऐसे। अभी तो मेरे पास चारा पूरा जो है अपना चिप्स जो है दे दिया हूँ, देख सकते हो। देख पा रहे उधर से जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ये जो मछलियाँ हैं कुंड से निकल के नहीं जाती। दर्शन कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस खूबसूरत ब्यूटी को देखने के पश्चात ऐसा देखिए यहाँ पर भी कुछ है लगता है, चल के देखते हैं। यहाँ पद चिन्ह है देख सकते हैं, ये देखिए। विशेष जानकारी नहीं है, यहाँ पर है शिवलिंग। तो हम लोग टॉप में हैं, इसके नीचे है देख सकते हो, है ना, अम्मा कुंड, और इधर कुछ नहीं है। एक बार अम्मा कुंड जरूर आइए। जय उड़ीसा, जय छत्तीसगढ़। वीडियो अच्छे लगने पे लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। लगातार हम उड़ीसा में टूरिस्ट प्लेस को, उनके आदिवासी कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान। एक बार अम्मा कुंड आइए, दिल को सुकून मिलेगा। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।